दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे गुस्से की वजह से मैंने खुद को नुकसान करके लिया, तो इरफान कौचाली कुछ ऐसे टिप्स शेयर कीजिए जिससे मैं अपने गुस्से को क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो किसी और का नुकसान करे ना करे लेकिन खुद का नुकसान जरूर करती है। जब आपको गुस्सा आता है दोस्तों, तो आपके बॉडी में इतनी बड़ी हलचल मचती है, वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू करती है। अंदर से आप खुद को मारना शुरू कर देते हो। कैंसर से भी भयंकर बीमारी है दोस्तों गुस्सा। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया तो आप बहुत सारी बीमारियों से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। तो गुस्सा एक सबसे डेंजरस चीज है दोस्तों, और इससे हमें क्या करना है, हमको ओवरकम करना है। तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे तनाव है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हम गुस्से की शक्ल में बाहर निकालते हैं। स्ट्रेस है, हमारे जिंदगी को लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं, और ये जब नहीं फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा बाहर फूट पड़ता है और हम कहीं पे भी गुस्सा हो जाते हैं। नॉर्मल नॉर्मल बातों पे गुस्सा हो जाती है, बड़ी बातें तो दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल बातों पर भी हम क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बताऊंगा कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी एक्टिविटी आप करोगे तो आप अपने गुस्से को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा होता हूं, कहीं बाहर जाता हूं तो रस्से में मुझे गुस्सा आता है, किसी से बात करता हूं तो गुस्सा आता है, तो अपने साथ में एक पानी की बोतल कैरी करें। क्या होता है, जब हमारे बॉडी का पानी का लेवल कम होता है ना, तो हमारे ब्रेन को पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम गुस्से में आ जाते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लीजिए। पानी पी लोगे तो डेफिनेटली देखिए आपके माइंड को ऑक्सीजन मिलेगा और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और आप गुस्से के बाद का कॉन्सिक्वेंसेस सोचोगे कि क्या होगा, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अपने गुस्से को शांत करोगे। सेकेंड पॉइंट है, शांत हो जाओ। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप शांत होने की प्रैक्टिस करो। शांत हो जाइए, कुछ मत बात करो। ये सबसे अच्छा टूल्स है दोस्तों गुस्से से बचने का। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहां पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो पहली बात तो वहां से बाजू हट जाइए और शांत हो जाइए। क्योंकि जब आप बात करोगे, आप एक्शन करोगे, सामने वाला रिएक्शन करेगा, फिर आप डबल रिएक्शन करोगे, वो ट्रिपल रिएक्शन करेगा, और ये गुस्सा बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और दोस्तों, गुस्से में सिर्फ नुकसान हुआ है दोनों तरफ से। अगर हम झगड़ा करते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है और सामने वाले पर्सन का भी नुकसान होता है, और ये नुकसान फिजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आप शांत हो जाइए। हमारे श्री श्री सलमान खान जी ने भी कहा है बिग बॉस में कि अगर आपको गुस्सा है, आप खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो लेट जाओ। ये एक्टिविटी करने से क्या होता है दोस्तों, पता है, आप प्रैक्टिकली कीजिए। मैंने भी काफी बार किया हो इस चीज को कि अगर हम खड़े हैं और हमको गुस्सा आया तो बैठ जाइए वहां पे। जब आप अपनी पोजीशन को छोड़ते हो तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। जितना आप लोअर लेवल पे जाओगे आपका गुस्सा उतना कम होने लगेगा। ये प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे और सच्चे लोगों से दोस्ती करो। गुस्से को अगर हमको कंट्रोल करना है दोस्तों, तो अच्छे और सच्चे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। गुस्सा एक बीमारी है, ये आपके दोस्त सिखाते हैं। अगर आप किसी पे गुस्सा करते हो तो आपके सच्चे दोस्त तो बोलेंगे कि आपने अपना नुकसान किया, आपने सामने वाले का तो नुकसान किया ही किया, लेकिन खुद का नुकसान किया। आप बोलोगे मैंने क्या नुकसान किया, आपके अंदर जो बॉडी में डैमेज हुआ है वो आपको पता नहीं चला, आपने कितना अपने आप को प्रॉब्लम दिया है, वो एक गुस्से के नाम के पीछे आपने खुद को कितना डैमेज किया है। इसलिए अच्छे और सच्चे दोस्त रखो जो आपको हमेशा टोकते रहेंगे। आपको गुस्सा आएगा तो आपको बढ़ावा नहीं देंगे, बोलेंगे आप गलत थे, और आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएंगे। दोस्तों, जब भी गुस्सा आता है तो आप गुस्से के बाद का अंजाम सोचो कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब हम अंजाम सोचेंगे तो डेफिनेटली हम वो काम करने से डरेंगे। यानी आप किसी के साथ मारामारी कर रहे हो तो आपको उसका अंजाम सोचना है कि इससे मुझे भी चोट लग सकती है, सामने वाले को भी चोट लग सकती है, इससे मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है, सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, जब आप अंजाम को सोचोगे कि इसके बाद क्या, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप अपने गुस्से को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। अंजाम की सोचो। दोस्तों, गुस्सा आना एक बहुत अच्छी निशानी है, इसका मतलब यू आर ए ह्यूमन बीइंग। गुस्सा आना इज नॉट बैड, लेकिन घड़ी घड़ी गुस्सा आना डेफिनेटली ये बहुत बुरी चीज है। और आपके पास में ये जो गुस्सा आने की जो एनर्जी है, उसको कहीं और अच्छे जगह पे आप क्या कीजिए, डाइवर्ट कीजिए। अपने काम में, अपने बिजनेस पे, अपने दूसरी जगह पे इस एफर्ट को लगाइए। ये जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट कीजिए और कहां पर लेके जाइए, एक अच्छी जगह पे लेके जाइए, और खुद को नुकसान होने से बचाइए। दोस्तों, हमेशा मैं हर किसी को कहता हूं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट रखो, माफ कर दो और भूल जाओ। बहुत से लोग सबको माफ तो कर देते हैं, यानी किसी ने आपका नुकसान किया होगा तो आप उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन जब वो सामने वापस आता
आता है तो आप उसको भूल नहीं पाते, वापस से आपका गुस्सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि किसी को भी माफ कर दो और भूल जाओ। ना सिर्फ माफ करो, ना सिर्फ भूल जाओ, आपको उसको माफ भी करना है और उसको क्या करना है, भूल जाना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, इससे सामने वाले का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका फायदा होगा। आपकी लाइफ पीसफुल होगी, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो, हेल्दीली जी सकते हो, हैप्पीली जी सकते हो। तो आज से दोस्तों इस बीमारी को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करो। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं कोशिश करता हूं हर जगह पे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान बन के पैदा हुए, तो हमें गुस्सा तो जरूर आएगा, लेकिन अगर हमने इस क्वालिटी को अडॉप्ट किया कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, तो हम सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में चले जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा अगर वो वीडियो सभी के लिए बेहतर होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको वो वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।